गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ उर्दू ऑफ क्लास फिफ्थ। एज यू नो स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड लेसन नंबर 5 and 6 एंड टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर 7। बट बिफोर स्टार्टिंग द न्यू लेसन, यू आर सपोज टू नोट डाउन द डिक्टेशन वर्ड। सो प्लीज़ बी रेडी विद योर बुक एंड नोट बुक एंड नोट डाउन योर डिक्टेशन वर्ड। तो बच्चों, ये आपके डिक्टेशन वर्ड हैं, ये आपको लिखने हैं। तो मैं आपको इसको रीडिंग करके बता देती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके और जूम करके देख सकते हैं। तो इसमें पहला है, अब मीन्स नाउ, दाम कॉस्ट इस मीन्स दिस, दिल हार्ट, रुक स्टॉप, ओस ड्यू, मोर पिकॉक, दौड़ रेस, चाकू नाइफ, लट्टू टॉप, डोर या डोरी भी हो सकता है, वो होता है स्ट्रिंग, दस टेन, दादा ग्रैंडफादर, दवा मेडिसिन, ऊन वूल। अब है आपका वरक, इसे जो पेपर होता है, पेज होता है, इसे कहते हैं लीफ। फिर है वर्दी, ड्रेस, साबुन सोप, आम वाटर, आँख आई, आम मैंगो, आड़ू पीच, आग फायर, आरा सौ, दर्जी टेलर, सुई निडिल, गाय काउ, चाय टी, निब, निब जो है वो निब को ही कहते हैं, माँ मदर। तो ये बच्चों आपके डिक्टेशन वर्ड हैं, इसमें से आपको 20 डिक्टेशन वर्ड जो हैं वो बोले जाएंगे, जिसमें आपको उर्दू का वर्ड डिक्टेट किया जाएगा और इंग्लिश का मीनिंग आपको खुद लिखना होगा। और ये जो हैं हाफ हाफ मार्क के होंगे, हाफ मार्क का आपका उर्दू का वर्ड और हाफ का इंग्लिश का। तो बच्चों इसको आप कर लीजिए। अब हम जो है अपना नया लेसन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ ओपन द लेसन नंबर 7। तो बच्चों ये है आपका लेसन नंबर 7। ये है जज़्म का यादा, यानी द रिविज़न ऑफ जज़्म। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, दर्जी। इसमें जज़्म का मतलब होता है कौन से हरूफ को हम किसके साथ मिला के पढ़ रहे हैं। तो इसमें दर्जी है, दाल ज़बर दर्ज, ज़े ये दर्जी दर्जी। फिर है दवा, दाल ज़बर दा, वाउ ज़बर वा दवा। फिर है वज़न, वाउ ज़बर वा, ज़ेन ज़न वज़न। फिर है कलम, का ज़बर का, लाम लम कलम। फिर है औरत, ले वापिश उ लिखा है इन्होंने, जबकि ओ होना चाहिए, अलिफ वाव ज़बर ओ होना चाहिए, और रे ते ज़बर औरत, सीन अली ज़बर सा, और नून ओ पे साथ पड़ जाएगा तो ये सानप नहीं होता, सांप, नून घुन्ना होता है यहाँ पर, तो ये सीन अली ज़बर सा, नून पे साकिन सांप, सब मिला के पड़ जाएगा। और सीन ज़बर साड़ एक अजोड़क सड़क, नून बेज निब। तो इसमें जिसको जिसके साथ मिला के पढ़ा है उसके ऊपर जज़्म लगता है। जैसे हमने सड़क लिखा तो सीन औड़े और काफ तीन है, ये सीन अलग पढ़ जाएगा, सीन ज़बर सा औड़े और काफ मिला के पढ़ जाएंगे सड़क। ऐसी दवा, दाल ज़बर दा और वाव और अलिफ मिला के पढ़ जाएंगे दवा, ऐसे पढ़ा जाता है ये। तो जो दो मिला के पढ़ जाएंगे या जो भी एक साथ तीन, जैसे सांप में पढ़ा गया तो ये तीनों चीज़ें मिला के पढ़ेगी, से सीन अली सा नून पे साकिन सांप, तो ये दवा है, ये सांप है। अब ऐसी है आपके नीचे के जो वर्ड हैं उन्हें देखिए, जैसे है आपका नाक, तो नून अली को मिला के पढ़ा और काफ साकिन, तो इसमें जज़्म ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, तो ये नाक हो गया। अब है आपका सबसे पहला है आपका नाव, नून अलीवा ना हमज़ा वापिश ओ, तो हमज़ा के साथ वाव को मिला के पढ़ा है नाव। फिर है नून अलीवा ना और काफ साकिन नाक, इसमें यहाँ पे जज़्म लगाएंगे काफ पे। फिर है सीन अलीवा सा गाफ साकिन साग, यहाँ पे लगेगा हे अलीवा हा, ते हे साकिन हाथ, फिर अली वापिश ऊ, लाम अली ला इसके साथ मिलेगा और दाल के ऊपर भी जज़्म लगेगा
औलाद, फिर है शीज व शाहिर व हर शहर, फिर है ख्वाज व सा बे रिजर सबर, फिर है गा हे वापिश घो, ये दोनों मिला जाएंगे और अड़े अली जवाड़ा, ये इसमें अलिफ पे जज़्म लगेगा घोड़ा। मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, गा हे और वाओ ये सब एक साथ मिलाकर, तो ये पढ़ा हमने घो, और रे और अलिफ मिला के पढ़ जाएंगे, यहाँ जज़्म लगेगा अड़ा घोड़ा। उसके बाद है आपका घोड़े के बाद है शोर, तो शीन और वाओ मिलके पढ़ेंगे, इसके साथ वाओ मिल गए, शो और रे भी इसी में मिलेगा, तो रे साकिन शोर। यहाँ पे एक मिनट, शीन वापस शो और रे साकिन शोर, तो यहाँ पे जज़्म लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, तो ये बना आपका शोर। अब है आपका डाल, डाल में डाल और अलिफ, डाल अलिजबर डाल लाम साकिन डाल, इसको भी जज़्म लगा देती है, मिला के पढ़ गई हमने डाल। तो ये बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कैसे आपको इससे करना है। अब इसमें नीचे जो लाइनें दी हुई हैं, जो जुमले दिए हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जुमला क्या है, दर्जी वर्दी सी कलम दवात में है, ज़्यादा वज़न मत उठा, सब्ज़े पर ओस है, औरत खूबसूरत है, सांप से बच, सड़क पर मत दौड़, एक तरफ चलो, आज़ाद ये आज़ाद के कपड़े हैं। तो इसमें बच्चों जो है आपको जज़्म बताया गया है कि जज़्म जो है वो दो या दो से ज़्यादा हरूफ को जोड़ता है ना। तो अब आपको इसमें होमवर्क में एक तो आपको डिक्टेशन वर्ड अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उन्हें लर्न करना है, और एक आपको ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपको अपनी नोटबुक में करनी है। आज हम बस यहीं तक पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।